के लिए कौन कौन से काम कंसर्निंग विद मैन, कौन कौन से काम कंसर्निंग विद वुमेन हैं। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। हम यह भी अध्ययन करते हैं कि हाउ वुमेन स्ट्रगल्ड फॉर द इक्वालिटी। स्टूडेंट्स, पहले महिलाओं को राइट टू इक्वालिटी नहीं था। फॉर द इक्वालिटी वुमेन लेड अ मूवमेंट, वुमेन स्ट्रगल्ड फॉर इयर्स टू गेट इक्वालिटी। महिलाओं ने समानता के लिए वर्षों तक संघर्ष की। महिलाओं ने इसके लिए मेनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज की। गेटिंग एन एजुकेशन वॉज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटी वेर क्रिएटेड फॉर वुमेन। महिलाओं में शिक्षा को जागृत किया गया। स्टूडेंट्स, मैंने पहले पढ़ाया था आप लोगों को टू ऑनली लिबरल फैमिली एनकरेज द गर्ल एजुकेशन वुमेन एजुकेशन। केवल लिबरल फैमिली, केवल जो उदार परिवार थे, वे अपनी बेटी को, अपने घर की महिलाओं को शिक्षित करते थे। इसमें जो अनुदार फैमिली था, जो महिलाओं के प्रति उदारता नहीं रखते थे, बेटी के प्रति उदारता नहीं था, वो महिलाओं को, अपनी बेटियों को, बहनों को शिक्षित करना नहीं चाहते थे। दिस चैप्टर विल ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन। इस चैप्टर में महिलाओं के द्वारा किए गए प्रयत्नों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वुमेन्स मूवमेंट एंड हाउ द वुमेन फेस्ड चैलेंजेस टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन द मोर रिसेंट ईयर्स। और भी अगले वर्षों में महिलाओं ने किस प्रकार से महिलाओं के डिस्क्रिमिनेशन को, महिलाओं के भेदभाव को अंत करने के लिए संघर्ष किया है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन दिस टॉपिक स्टडी अबाउट द लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन द रोजी मैम्स क्लास, वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। ऐसा कहा जाता था कि महिलाएं कुछ खास काम के लिए ही बेहतर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स, वुमेन मेक बेटर नर्सेज, दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। महिलाएं सेवा क्षेत्र में बेहतर होती हैं। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल्स विद इन द फैमिली। इससे महिलाओं की जो भूमिका है यह स्पष्ट होती है। सिमिलरली इट इज बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। ऐसा लोगों में विश्वास था कि महिलाओं में साइंस से रिलेटेड टैलेंट नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, महिलाओं ने आज के डेट में द वुमेन द गर्ल्स प्रूव्ड दैट वुमेन हैव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टैलेंसी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल टैलेंट टैलेंट। महिलाओं ने, बेटियों ने, लड़कियों ने यह साबित कर दिया है आज के डेट में कि महिलाओं के पास तकनीकी बेहतर क्षमताएं हैं।
It is believed that science requires a thoughts are this महिलाओं ने बेटियों ने नकारा है और आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं बेहतर से बेहतर काम कर रही है। आज हमारे देश की महिलाएं जो जेंडर फाइट है जेंडर फाइटर जो देश की लड़ाकू विमान है उसमें पायलट की काम करती है, एयरफोर्स में बेहतर प्रदर्शन की है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बेहतर प्रदर्शन की है, कर रही है, एडुकेशन के हर एक क्षेत्र में महिलाएं आज आगे आ रही है। इस प्रकार से महिलाओं ने अपनी प्रतिभाओं को दर्शाया है, जिससे जो पास्ट थॉट था, अतीत की जो विचार था, वह समाप्त हुए हैं। महिलाएं अब हर एक क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लर्निंग फॉर चेंज, अब महिलाएं गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ, गर्ल्स लाइफ। स्कूल जाना महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन का अंग हो गया है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, अधिक से अधिक लड़के लड़कियां स्कूल में प्रवेश लेते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अब दिन ब दिन लड़कियों की संख्या, स्कूल जाने वालों में लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन आउट ऑफ बाउंड्स। अब महिलाओं को बेटियों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गवर्नमेंट एनकरेजेस द गर्ल टू गो टू स्कूल। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज, इसके लिए सरकार कुछ सुविधाएं दे रही है, जिससे लड़कियां बेटियां अधिक से अधिक पढ़े। गवर्नमेंट ने एक कैंपेन की है, एक अभियान चली है, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत लड़कियों को साइकिल ड्रेस यूनिफॉर्म ड्रेस स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लड़कियां पढ़ रही है। बेटियों को फर्स्ट डिवीजन आने पर 10,000 क्लास 10th में दिया जाता है, इंटर में 25,000 दिया जाता है फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने पर। इस प्रकार से गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग टू प्रोवाइड गर्ल्स फॉर बेटर एजुकेशन फॉर द गर्ल्स। नेक्स्ट डे आई शैल टीच यू मोर अबाउट द वुमेन्स मूवमेंट राइट टू इक्वालिटी टू द वुमेन। थैंक यू।